हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो आधा कटोरी सूजी ले लिए हैं, तो इसके लिए एक बाउल ले लेते हैं और आधा कटोरी सूजी हम डाल देते हैं इसमें। तो बारीक वाली सूजी है, तो अगर मोटा सूजी आपके पास है तो उसको छोटे वाले जार में ग्राइंड कर लीजिएगा, तो बारीक हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से, खूब अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इस तरह मिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया है, तो ये देखिए इसमें हम डालेंगे 1 प्याज कटा हुआ, 2 हरा मिर्चा है और 1 शिमला मिर्च। आप अपने पसंद की सब्जी भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आलू ग्रेट किया हुआ, 1 आलू है। अच्छी तरह से इस तरह मिला लेंगे। और ये देखिए तेल में हम सरसों डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे करी पत्ता, और इसे हम डाल देंगे इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छी तरह से मिला लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डालेंगे खाने का सोडा थोड़ा सा, 1 चुटकी। तो आज हम नाश्ता इसी में बनाएंगे। तो इसमें ये देखिए टिफिन है, इसमें हम लगा लेंगे तेल चारों तरफ से इस तरह से। इसमें हम डाल लेते हैं और इधर हम भगोने में पानी रख दिए हैं, भगोने में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए पानी एकदम गर्म हो चुका है, खोल रहा है, और ऊपर से रख दिए जाली और इसके ऊपर हम इस तरह से टिफिन को रख देंगे। और ढक देंगे इस तरह से चारों तरफ से कि कहीं से गैस न निकलने पाए, अच्छी तरह से पैक रहे। तो ये 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। इसको खोलकर थोड़ा सा ऊपर से हम कश्मीरी लाल मिर्चा इस तरह से डाल देंगे लुकिंग के लिए, दिखने में अच्छा लगेगा। इसको अब ढक देते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो गया है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, खूब फुला फुला बना हुआ है। इसको हम चेक भी कर ले रहे हैं, तो लग नहीं रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स ठंडा करने के बाद इसको इस तरह डैप करके हम निकाल लिए हैं। ये देखिए इसको पलट लेंगे, देखिए कितना देखने में ही सुंदर लग रहा है। इसको हम कट करेंगे, ये देखिए कितना जाली पड़ा है, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड। इस तरह से हम कट कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितना मजेदार नाश्ता तैयार है। इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही सर्व किए हैं और सेजवान चटनी के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो हम तो इसी के साथ खाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको अपने पसंद के चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं या नारियल की चटनी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है और बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये नाश्ता होता है। बहुत ऑयली चीज़ काफ़ी नुकसानदायक होती है, तो ये सब चीज़ें जो होती है गर्मियों के सीजन में आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।